सेवन कम करने के बावजूद भी उनका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है। ऐसे में डॉक्टर्स ने बताई गई उचित मेडिकेशन के साथ में यदि आप हाई पोटेशियम रिच फूड्स का यदि सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी जो है नॉर्मलाइज होना, मेंटेन होना चालू हो जाता है। ऐसे में आप यदि पोटेशियम के लिए सिर्फ नारियल पानी पर सीमित रहते हैं या एप्रिकॉट पर सीमित रहते हैं तो ये बहुत ही मॉडरेट या पुअर सोर्सेस हम कहेंगे पोटेशियम। बहुत से लोग हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, ऐसे में उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं कि नमक का जितना हो सके उतना कम इंटेक कीजिए, कम नमक खाने में रखिए, नमकीन चीज़ें कम खाइए, ऐसे फूड जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो इस तरह का खान पान कम रखें। वेरियाज यदि आप पोटेशियम की मात्रा बढ़ा देते हैं, ऐसा खाना आप चूज़ करते हैं, ऐसे फूड्स आप खाते हैं जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये सोडियम की लेवल को बैलेंस करता है। ये वन ऑफ द फैक्टर है, यदि आप पोटेशियम का लेवल बढ़ा देते हैं और साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बढ़ा हुआ बीपी है, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिकेशन के साथ में आप इस तरह का सेवन करते हैं, पोटेशियम रिच फूड का सेवन करते हैं तो आपका बीपी बहुत जल्दी कंट्रोल में आना चालू हो जाता है। वी नो दैट कि बढ़ा हुआ बीपी जो होता है, हाइपरटेंशन जो होता है, ये साइलेंट किलर का काम करता है। यदि इसे सही समय पे हम सही से मैनेज नहीं करते हैं तो हमें हार्ट डिजीज बनाता है, लकवा है, स्ट्रोक जैसी समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तक आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यदि आप नमक छोड़ देते हैं या पोटेशियम के लिए सिर्फ नारियल पानी पे सीमित है तो उन चीज़ों का आप भूल जाइए। नमक को कम से कम रखना ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट रिडक्शन के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है और टोटली बॉडी के लिए अच्छा होता है। बट यदि आप पोटेशियम रिच फूड का सेवन करते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसानी से जो है, मतलब पोटेशियम यदि ज़्यादा है, पोटेशियम और सोडियम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यदि शरीर में सोडियम सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है जब हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, ऐसे में यदि ब्लड हम यदि पोटेशियम की लेवल भी बढ़ा देते हैं तो सोडियम की बढ़ी हुई लेवल को हम मेंटेन कर पाते। हाई ब्लड प्रेशर होना मतलब शरीर में जो है सोडियम की मात्रा बढ़ना, सोडियम की यदि डाइट में पोटेशियम की लेवल कम होती है तो ब्लड वेसल्स भी जो होते हैं हमारे टाइटन हो जाते हैं, यदि पोटेशियम की मात्रा अच्छी लेवल अप करते हैं डाइट के थ्रू तो ये रिलैक्स होना चालू हो जाता है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ों में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, वही मोस्टली जब भी हम पोटेशियम का यदि सोर्स के बारे में हम सोचते हैं तो उसमें सबसे पहले यदि कोई नाम लेता है तो है नारियल पानी। बट नॉलेज के लिए मैं बता दूं, नारियल पानी में ओनली 280 mg तक ही आपको पोटेशियम मिलता है। इन इंडियन स्पाइसेस होते हैं नंबर वन पे आते हैं पोटेशियम से रिलेटेड, यदि पोटेशियम कंटेंट आपको लेना है तो इंडियन स्पाइसेस को आप अपने डाइट पोटेशियम रिच सोर्सेस में नंबर फर्स्ट पे आते हैं इंडियन स्पाइसेस, उसमें भी जीरा यानी कि क्यूमिन सीड, इसमें नियर अबाउट 1882 mg आपको पोटेशियम मिलता है इन 100 ग्राम। सेकेंड आता है पीपली, पीपली में भी आपको 1852 mg तक आपको मिल जाता है पोटेशियम। तीसरे नंबर पे आता है धनिया के बीजा, कोरिएंडर सीड्स, इसमें भी आपको 17062 mg तक मिलता है पोटेशियम। नेक्स्ट है अजवाइन, अजवाइन भी मैं आपको 17052 mg तक मिलता है। हम आपको पता है कि हम स्पाइसेस को सिर्फ फ्लेवर में ऐड कर सकते हैं, सिर्फ हम डेली बेसिस पर 20 या 30 ग्राम तक ही इसका सेवन करते हैं और ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई ये नियर अबाउट 100 ग्राम से आपको मिलती है। बट यदि खाने में अच्छा जो डाइजेस्ट कर सकते हैं या अच्छा फूड जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम ले सकते हैं, इसमें पल्सेस आते हैं और सबसे ज़्यादा बीन्स आते हैं, तो बीन्स के बारे में नंबर वन पे आता है मॉथ बीन, जिसे मटकी कहा जाता है, जो महाराष्ट्रियन मटकी से उसर जो जिसमें बनाया जाता है, मटकी एक तरह से जो मूंग बीन्स होते हैं उसी तरह से मटकी होती है, उसे मॉथ बीन कहा जाता है और इसका भी स्प्राउट्स बनाया जाता है और ये काफ़ी टेस्टी भी होता है खाने। तो मटकी में होता है 1306 mg तक पोटेशियम। हम इसे जो है स्प्राउटेड के फॉर्म में खा सकते हैं, हम मटकी का चीला बना के खा सकते हैं या हम इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं और डेली बेसिस पे यदि हम 50 या 100 ग्राम का जो अंकुरित मटकी है या अंकुरित मौदबीन है स्प्राउटेड वो यदि हम डेली बेसिस पे लेते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा जो पोटेशियम हमें चाहिए ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए वो वहाँ से पूर्ति हो सकती है, क्योंकि बाद में जो है आप जीरा वाटर ले सकते हैं या कोरिएंडर सीड की चटनी आप बना के ले सकते हैं। तो पल्सेस में सबसे नंबर वन पे आता है मौदबीन, जिसमें कि 1
1363 mg तक आपको मिल जाता है पोटेशियम। नंबर टू पे आता है सोया। सोया में ब्लैक वेराइटी लीजिए या वाइट वेराइटी लीजिए, दोनों में आपको 1786 mg तक आपको पोटेशियम मिलता है। तो आप जो है सोयाबीन का टोफू आप खा सकते हैं, सोयाबीन का आप प्रिपरेशन जैसे मीसो है, टेम्पे है, ये पॉसिबल है तो सोया बड़ी जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, या सोयाबीन का दूध आप ले सकते हैं। लेकिन आप सोयाबीन के आटे पर मत जाइएगा, नेचुरली जो सोया में फैटिक एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमेशा यदि फैटिक एसिड को कम करना है तो सोकिंग इम्पॉर्टेंट होती है और हाई टेम्परेचर पर के कुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब सोया को हम कुक करते हैं, मतलब जब हम सोया मिल्क बनाते हैं, तो उसे अच्छे से हम कुक कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आटा हम बनाते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, धोने के बाद में हल्का सा सुखाने के बाद हम उसका आटा बना लेते हैं और वो बहुत कम टेम्परेचर पे रोटी हम कुक करते हैं, जिससे कि हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि फैटिक एसिड शरीर के लिए जो है घातक होता है, टॉक्सिन्स बिल्डअप करता है शरीर में। इसलिए आटे पे मत जाइए, लेकिन आप जो है सोया का कुछ अदर प्रिपरेशन जिसमें कि अच्छे से आप बॉइल कर सके सोया को, जैसे प्रिपरेशन प्रोसीड टाइप का जो सोया है, जैसे सोया मिल्क आप अच्छे से उबाल सकते हैं, सोया पनीर आप बना सकते हैं जिसे टोफू कहा जाता है, या सोयाबीन का बड़ी आप खा सकते हैं अच्छे से, या सोयाबीन की जो चटनी है वो भी आप बना सकते हैं। चटनी बनाने के लिए आप जो है इसे 2 दिन के लिए अच्छे से भिगो दीजिए, उसके बाद में अच्छे से इसको उबाल ला लीजिए। उबालने के बाद आप इसे पिसाकर तड़का मारकर जो है आप ये चटनी इंजॉय कर सकते हैं। बट आप इसे अनप्रोसीड या कम आँच पर पका हुआ सोया खाने से बचे, इसे नुकसानी। काउपी सीड्स जिसे बरबटी कहा जाता है, जो मार्केट में वाइट कलर की बरबटी मिलती है या ब्लैक ब्राउन कलर की भी बरबटी मिलती है, इसे लोबिया कहा जाता है मेरे ख्याल से। तो लोबिया भी बहुत ज़्यादा हाई इन पोटेशियम होते हैं। लोबिया डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत हेल्दी दाल हम मानेंगे। तो लोबिया की आप जो बड़ी बनते हैं, बड़ी है या इसकी आप ऐसे सब्जी या सिंपली दाल के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें नियर अबाउट आपको 1248 mg तक आपको पोटेशियम मिल जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लैक ग्राम दाल, यानी कि काली उड़द दाल। उड़द दाल में आपको 1157 mg तक आपको पोटेशियम मिल जाता है। चना ये बेस स्नैक डायबिटीज़ के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन स्नैक हो सकता है। इसमें आपको नियर अबाउट 1057 mg तक आपको पोटेशियम मिल जाता है। सेकेंडली यदि आप बेसन का चीला बनाते हैं, बेसन का सेवन करते हैं, ये भी आपको 1157 mg तक आपको पोटेशियम। नेक्स्ट आता है हमारा राजमा। राजमा भी आपको 1409 mg तक आपको पोटेशियम, बीन 1272 mg, वाइट फील्ड बीन 1360, ड्राई फ्रूट्स में ड्राई सीड्स जो है हमारी मनुका, यानी कि रेजिन्स में जो या आपके ब्लैक रेजिन्स की वैरायटीज़ है, उसमें आपको 1103 mg तक पोटेशियम मिल जाता है। जो गोल्डन रेजिन्स होते हैं उसमें 903 mg तक आपको पोटेशियम मिल जाता है। नट्स में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है पिस्ता, जिसमें कि आपको 800 तक आपको पोटेशियम मिल जाता है। उसके बाद में जो है आपको एलमंड्स में 603 mg तक ही आपको पोटेशियम मिल पाता है। उसके बाद में आते हैं हमारे खट्टी मीठी इमली पर। इमली में भी जो है पोटेशियम कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। आप इमली की चटनी है, इमली का पल्प बना के कोई भी प्रिपरेशन बना सकते हैं। इसमें आपको नियर अबाउट 836 mg तक आपको पोटेशियम मिल जाता है। हमारे कमल ककड़ी जो है, जिसे देस कहा जाता है, उसमें भी 1487 mg तक आपको पोटेशियम मिल जाता है। अमरांत यानी कि राजगीरा, राजगीरा में ब्लैक वेराइटी में 433 mg तक आपको पोटेशियम मिल जाता है। उसके बाद में यदि रागी की बात करें तो रागी ये जो ग्रेन है उसमें 433 mg तक आपको पोटेशियम मिल जाता है। ये हम देखेंगे तो उसमें 541 mg तक ही आपको पोटेशियम मिलेगा। यदि बात बनाना की आते हैं तो 302 mg तक ही आपको उसमें पोटेशियम मिलेगा। उससे कई ज़्यादा कंटेंट जो होते हैं, जो मौथ बीन में होता है, लोबिया में होता है, चना दाल में होता है, काली उड़द दाल में होता है, या अजवाइन को भी, अजवाइन है, पीपली है, जीरा है, धनिया के बीज होते हैं, इसमें हाईली पोटेशियम कंटेंट प्रेजेंट होता है। इस याद रखिए कि पोटेशियम के लिए आपको जो है, हम मोस्टली समझ लेते हैं कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसमें पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें यदि हम जाते हैं डिटेल में, यदि हम जाते हैं तो आपको जो मैंने कुछ अच्छी चीज़ें बताई हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम कंटेंट होता है, याद रखिए, इंडियन स्पाइसेस में धनिया, जीरा, अजवाइन, पीपली, इनमें जो होता है 1000 के ऊपर में आपको पोटेशियम मिल जाता है।
दालों में सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है मटकी यानी कि मोथ बीन, ब्लैक ग्राम दाल यानी कि काली उड़द की दाल, बंगाल ग्राम यानी कि हमारी चने की दाल, चना है, राजमा है, लोबिया है, हमारा सोयाबीन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है राजमा है, इसमें 1000 के ऊपर में आपको जो है पोटेशियम कंटेंट मिल जाता है। यदि अनाजों की बात करें तो इसमें रागी अच्छा होता है और ज्वार में आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें भी आपको 500 के अंदर ही आपको पोटेशियम मिल पाता है 100 ग्राम में। जितना भी मैं कंटेंट बता रही हूँ वो सारी वैल्यूज़ है 100 ग्राम में, 100 ग्राम का कितना भी आप वैल्यू लें उसमें आपको इतना अमाउंट में पोटेशियम मिल जाता है। बाद में इमली की चटनी आप बना के खा सकते हैं, या आप जो है जो स्पाइसेस है उसका पानी जो है सोक करके आप उसका पानी ले सकते हैं। किशमिश, यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो आप डेफिनेटली अपनी मॉर्निंग जो है आप किशमिश से चालू कर दीजिए। ड्राई जो डेट्स होते हैं पेल येलो कलर के, उसमें भी 1000 के ऊपर में पोटेशियम कंटेंट मिल जाता है। तो सिंपल सिंपल चीज़ों को याद रखिए, जैसे अभी कुछ दालों का नाम में हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। कई लोगों की समस्या होती है उनका ब्लड प्रेशर मेडिकेशन के बावजूद भी, वेट लॉस करने के बावजूद भी उनका कंट्रोल में नहीं आ पा रहे, तो आप अपने डाइट पे आप ध्यान दे ला सकते हैं। तो याद रखिए आपको पोटेशियम रिच फूड का सेवन करना है। तो जब जिनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन के जिनको समस्या है, वो एक बात आप याद रखें, बढ़ा हुआ बीपी हमेशा यदि कंट्रोल में ना रहे तो आपको ये साइलेंट किलर का काम करता है। एक तो हार्ट डिसीज बनाता है, दूसरा किडनी ख़राब कर देता है, किडनी डैमेज कर देता है। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं आप उसे ज़रूर फॉलो करें, और साथ में आप डाइट भी रखें। और कुछ दिनों के बाद में यदि आप डाइट अच्छा फॉलो करने लग जाते हैं, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चालू कर देते हैं, अच्छा आप लाइफस्टाइल सेट कर देते हैं, तो आपका जो गोली का पावर है वो कम होना चालू में आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके जो है गोलियां आप बदला सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ऑन टाइम आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप गोलियों को स्किप करते हैं तो जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है अचानक से आपको लकवा मार दे सकता है, या हार्ट डिसीज बना सकता है, या किडनी डिसीज बना सकता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर